धूमधाम के साथ किया गया। रावण दहन के दौरान भव्य आतिशबाजी की गई, जिसकी भव्यता बस देखते ही बढ़ रही थी। रावण दहन के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। रावण दहन देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग रामलीला मैदान पहुंचे और रावण दहन का आनंद लिया। रावण दहन पर देखिए हमारे संवाददाता राजा यादव की ये रिपोर्ट। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ, पाप अनाचार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, विजय हुई है। आज भगवान राम ने राम रावण का
बंद करके बुराइयों का नाश करके और अच्छाइयों पर विजय की प्राप्ति की है। मैं इस आज दसवीं के शुभ पावन पर अपने नगर और देहात के सभी आए हुए मान भावों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े सादगी के साथ अपना परिचय देते हुए और शांतिपूर्वक इस मेले को देखा है। मेला बड़े उत्साह के साथ हुआ। आप भी देख रहे होंगे कि अभी भी लाखों की संख्या में भीड़ इस मैदान में खड़ी हुई है। भगवान राम ने विजय करने के बाद सीता जी को अपने हनुमान जी द्वारा अपने पास बुलाया है। अब कल इसी मैदान में अखिल भारतीय दंगल का आयोजन किया गया है, जिसके संयोजक बॉबी शर्मा को बनाया गया है। बड़े दूर दूर से पहलवान दिल्ली से, कानपुर से, मथुरा से, आगरा से, बड़े बड़े दूर से पहलवान आएंगे। आप इस दंगल में आने के लिए भी आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ।